हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी अच्छा हूँ जी। दोस्तों, इस दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसका एक्सप्लेनेशन भाई साइंस के पास नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोई भी जान नहीं सका है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताने वाले हैं और कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिसको आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो क्या आप तैयार हैं इस दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्य को देखने के लिए? तैयार है तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जरा ये देखिए दोस्तों, आसमान में ये क्या हो गया है? ये किस तरह की पिक्चर है? ये किस तरह का मोमेंट है? दोस्तों, ये बर्ड्स हैं। इस पक्षी का नाम है स्टारलिंग, यानी कि मैना। ये पक्षी जो होते हैं वो एक साथ घूमते हुए दिखते हैं और इस तरह का नजारा आपको बार बार देखने को नहीं मिलता। मैना हजारों की संख्या में एक साथ जब किसी खेत की फसल खाने के लिए हमला करते हैं तो आसमान का नजारा बिल्कुल इस तरह का हो जाता है। जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप ये सोचकर भाग मत जाना कि भैया आसमान में क्या हो रहा है। दोस्तों, इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है लेकिन फिर भी ये आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे से टकराते नहीं है। हालांकि एक बात जो इंसानों के लिए खतरनाक है वो ये है कि हवाई जहाज को टेक ऑफ करते समय बहुत खतरा होता है ऐसे में। इस वीडियो को टुकड़ टुकड़ देखने के संग अब ये बताइए कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, बताइए, लिखिए कमेंट में अपने शहर का नाम। अच्छा दोस्तों, जरा सोचिए, अगर दुनिया में हर जगह आपको मकड़ी का ही जाल नजर आने लग जाए तो? जी हाँ दोस्तों, हर पेड़ पर, आपके घर के बाहर, आपकी गाड़ियों में, ये कितना डरावना नजारा हो सकता है कि नहीं? लेकिन ये दुनिया की कई जगहों पर ऑलरेडी हो चुका है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन स्पेन के शहर बार्सिलोना में इस तरह का नजारा अक्सर देखने को मिलता है। इसे स्पाइडर वेव कहते हैं। दरअसल इसमें यह होता है कि जब स्पाइडर को यानी मकड़ियों को अंदाजा लग जाता है कि समंदर का पानी अब शहर में प्रवेश करने वाला है तो ऐसे में लाखों मकड़ियां एक साथ जमीन के नीचे से निकलकर पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, आपके घरों के बाहर आ जाती हैं। उन्हें जहां जगह मिल जाती है वो अपना जाल बना लेती हैं। ये देखिए कैसा नजारा है, किसी बॉलीवुड की डरावनी फिल्म से कम नहीं है ये। अच्छा दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अफ्रीका के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम है सहारा। वहां पर कई बार ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है जिसे एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा तो ये देख लीजिए कैसे ये गुलाब के फूल की तरह तैयार हो गया है रेत। दोस्तों, बात यह है कि जब भी रेगिस्तान में बारिश होती है उस समय बारिश का पानी बहुत जल्द ही रेत को अपने में सोख लेता है। जी हाँ, और सुबह होती है आपको पूरे रेगिस्तान में इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। ये देखिए, रेत से बना हुआ गुलाब का फूल। ये साइज में काफी बड़े होते हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, अब इसको देखिए, यह है माउंट कैलेमुटु जो कि इंडोनेशिया में है। यहाँ का नजारा भी काफी डरावना है। पहाड़ की चोटी पर तीन लेक हैं, लेकिन तीनों का कलर हमेशा बदलता रहता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कभी यह लाल रंग का हो जाता है तो कभी ब्लू तो कभी काले रंग का। दोस्तों, जिस जगह पर ये तीनों लेक हैं वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये बड़े डरावने लेक हैं। इंडोनेशिया में इनको मौत का सागर कहा जाता है। यहाँ आने वाले हर साल हजारों टूरिस्ट में से कईयों की मौत हो जाती है। हालांकि साइंस के मुताबिक जो पानी का रंग बदलता है उसकी वजह पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को माना गया है। दोस्तों, ये नजारा है आयरलैंड का, इन्हें बेसल्ट कॉलम्स कहा जाता है। आपको मैं इनके बारे में बता दूं कि ये अजीबोगरीब पत्थर समंदर के किनारे है। यहाँ के लोकल लोग इन्हें डेविल रॉक के नाम से भी जानते हैं। दरअसल इन पत्थरों का आकार दोस्तों बड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह संभव तभी हो पाया जब ज्वालामुखी के फटने के करोड़ों साल बाद ठंडा होने की वजह से ये इस आकार का हो गया है। बिल्कुल सीध में पत्थर, वो भी हजारों की संख्या में समंदर के किनारे। कई लोगों का मानना है कि यहाँ नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। दोस्तों देखिए, ऐसी कई चीजें हैं दुनिया में जिसको समझना संभव नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड भी कम मिस्टीरियस नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या होगा अगर कोई ब्लैक होल में चला जाता है तो? कई साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसानों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कोई कहता है कि इंसान का शरीर ब्लैक होल में जाते ही डबल साइज का हो जाएगा। कईयों का कहना है कि ब्लैक होल में जाते ही समय बहुत कम हो जाएगा। मतलब ये है कि हमारी दुनिया के 50 साल ब्लैक होल में सिर्फ 5 साल के बराबर होंगे। इंसानों की जो उम्र है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें क्यास लगाने वाली हैं, सिर्फ अनुमानित। किसी को भी बॉस इसकी सटीक जानकारी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक हमें कमेंट में दीजिए। वीडियो कैसी लगी? और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो संग में बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि हम जो भी वीडियोस बनाएंगे एंड अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको फोन पर मिल जाएगा। घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, हाथों को साबुन से धुलते रहें, ख्याल रखिए। मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।